हाय, मेरा नाम हिरोक है और मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। एक कहानी लेकर आया हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। शुरू करता हूँ। पहाड़ों और बादलों के उस पार एक दुनिया है, परियों की दुनिया। वो दुनिया इस दुनिया से बहुत दूर है। उस दुनिया में परियां रहती हैं और परियां अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकती है, उन्हें किसी बात की कोई रोक टोक नहीं, खुश हैं। एक दिन इस दुनिया से एक राजा उस दुनिया में जाता है और वहां पर एक परी से प्यार कर बैठता है। और जब वो इस दुनिया में वापस आता है तो वो राजा उस परी को अपने साथ लेकर आता है और परी भी उसके साथ आराम से आ जाती है। शुरू शुरू में परी को राजा की नई दुनिया और ये बड़ा सा महल बहुत अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि राजा शैतान है और परी को कैद करके रखना चाहता है। फिर परी सोचती है कि वो भाग जाएगी और माँ आगे क्या हुआ? राधा, बेटा देखो, वो नर्स आंटी बुला रही है, जाओ, रात को कहानी सुनाती हूँ। हाँ जाओ जाओ तुम। सामने देखती रहो और कुछ मत बोलना। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती या तुम समझना नहीं चाहती? कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें, कितनी बार, कि तुम अब अनाथ आश्रम में नहीं रहती, तुम्हारा खुद का घर है, परिवार है। तुम्हें मालूम है जब तुम ऐसे कहानी सुना रही थी पीछे के लोग तुम्हें कैसे, आगे देखो। तुम्हें मालूम है जब तुम कहानी सुना रही थी पीछे के लोग कैसे मुंह खोल खोल कर तुम्हें देख रहे थे। दर्द हो रहा है ना? मुझे भी हो रहा है। बैठो चुपचाप। मैं वैदेही के पीछे वाले बेंच में बैठा हुआ था और चुपचाप कहानी सुन रहा था। मैं क्या, मेरी माँ भी सुन रही थी कहानी। मेरी माँ क्या, वहां पर जितने लोग थे सब कहानी सुन रहे थे और किसी को ये पता भी नहीं चला कि हम डॉक्टर के पास आए हैं। वो तो ये जनाब आए और कहानी रुकी, तब होश आया, अरे हमें तो डॉक्टर के पास जाना है। वो मोहतरमा जो बाहर खड़ी थी वो एक एक करके मरीज का नाम लेती और मरीज डॉक्टर के चेंबर के अंदर जाता, जैसे अभी राधा गई थी। वो पहली बार था जब मैं वैदेही से मिला था। इसके बाद दो बार और मिला पर वैदेही को मैं ऐसे करता था और वैदेही, वो जनाब आते थे ना साथ में। 5 साल, अरे 1 मिनट, मैंने अपने बारे में नहीं बताया। नहीं, मेरा नाम आनंद है, मैं एक स्टोरी राइटर हूं, कहानियां लिखता हूं। मेरी एक खुद की स्टोरी टेलिंग कंपनी भी है, कहानी घर। और उन दिनों अमर चित्र कथा वालों के साथ मेरा टाई अप था तो मुझे 2 स्टोरी टेलर ढूंढने थे। और पिछले 3 महीनों से 150 एप्लीकेशन देख चुका था, एक भी स्टोरी टेलर पसंद नहीं आया। और आएगा भी कैसे, पिछले 5 सालों से एक स्टोरी टेलर जो दिमाग में है वैदेही, वैसा कोई नहीं मिला। वो जैसे हमें पकड़कर एक दुनिया में ले जाती थी और वहीं छोड़ देती थी, ऐसा कोई नहीं मिला। उस दिन मैं रात के 8 बजे तक काम कर रहा था, एप्लीकेशन ही पढ़ रहा था।
मेरा फोन साइलेंट पर होता है, पर उस दिन पता नहीं कैसे साइलेंट पे नहीं रखा। मेरा फोन बजा, हालांकि मैंने फोन उठाया नहीं तब तक जब तक ट्रू कॉलर पे नाम नहीं आया। वैदेही, मैंने झट से कॉल उठा ली। हेलो हेलो आनंद, आनंद से बात हो सकती है? हाँ हाँ, आनंद बोल रहा हूँ, बताइए। आनंद, मैं वैदेही बोल रही हूँ। वो आपका स्टोरी टेलिंग का एप्लीकेशन देखा था मैंने, मैंने अप्लाई किया था, 1.5 महीने हो गए, कुछ आया नहीं। अच्छा अच्छा, एक काम करिए, आपने एप्लीकेशन सेव कर लिया होगा ना, उसका प्रिंट आउट लेकर ना, वहां पर एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे कल ठीक 12 बजे आ जाइएगा, ठीक है? हाँ ठीक है। वैदेही, मुझे मालूम है कि क्या पता ये वो वैदेही ना हो, पर 75% मिलता था ना, नाम वही था, स्टोरी टेलर थी, और आवाज वो कैसे भूलता। 25% सूरत देखकर पता चल जाएगा। उस दिन 3 बजे तक सिर्फ यही सोचता रहा कि वैदेही से क्या बात करूंगा मैं, 3 बजे तक, और तब जाकर नींद आई। फिर जब मैं सुबह उठा, 8 बजे उठा, और तैयार होते ही सीधा ऑफिस पहुंच गया, 9 बजे तक ऑफिस पहुंच गया। मेरा ऑफिस लाजपत नगर में है। लाजपत नगर में 2 बिल्डिंग ले रखी है मैंने, एक बच्चों के लिए है और एक मेरे ऑफिस के लिए। मेरा ऑफिस बड़ा नहीं है और छोटा भी नहीं है, क्योंकि छोटा इसलिए नहीं लगता क्योंकि कम सामान है। जैसे इस दीवार पर बड़ा सा एक बुक शेल्फ है जहां पर काफी सारी किताबें हैं, उर्दू, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, हालांकि इनमें से पढ़ी मैंने कुछ भी नहीं है, पर मैंने रख रखी है। वैदेही देखेगी खुश होगी। ये दीवार मंडेला दीवार है, मैं रंग देता हूं। आज सोच रहा हूं कि वैदेही देखेगी तो क्या बोलेगी, पागल है ये, ढक भी तो नहीं सकता। ये टेबल 3 साल पहले लिया था, अभी तक साफ नहीं किया, आज साफ कैसे करता, चद्दर डाल दी। सामने 2 चेयर थी, उसे अच्छे से पूछा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ना कहां बैठेगी वो। और उसके वहां वो गेट आर पार मुझे दिखता था, लोगों को नहीं। और उसके ऊपर ये घड़ी, कब से सोच रहा था कि ये दोनों सुई जाकर 12 पर मिले, पर मिली नहीं रही, शायद खराब है। कब ये दोनों मिलेंगी और मैं वैदेही से मिलूंगा, और आखिर में मिल गई। और जैसे ही 12 बजे मैं देखने लगा, हर रुकते ऑटो को देखता था ध्यान से, शायद ये होगी। पर ऐसे करते करते 15 मिनट हो गए और वो नहीं आई। फिर एक ऑटो रुका, फिर जैसे सांस रुक गई, ये वैदेही है। वो उतरी, उसने एक शॉल ओढ़ रखा था, पर्स से पैसे निकाले, ऑटो वालों को दिया, मोबाइल में एड्रेस चेक किया और उसे भी बैग में रखा। फिर उसने अपना शॉल उतारा। सॉरी, मैं डर गया था, और मैं उसके चेहरे को देख रहा था, कुछ जैसे जैसे आके आ रही थी, उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। ये पूरा हिस्सा चल गया था। मैंने ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा था, जैसे पन्नी जल जाती है ना, ये मैंने आंख बंद कर ली, और आंख खुली तो वो सामने थी। मैं डर गया था, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, और वो ऐसे बात कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं उसके साथ। अरे आनंद, मैं वैदेही, 5 साल पहले मिले थे, याद है?
कैसे बात कर रही है ये, जैसे कुछ हुआ ही नहीं इसके साथ। वैदेही, ये क्या हुआ है तुम्हारे साथ? आराम से आनंद, तेजाब डाला है पति ने मेरे। क्यों, तुमने कुछ किया नहीं? कुछ तो करती पुलिस? कुछ नहीं किया आनंद, आराम से। बहुत वक्त बीत गया है। अच्छा, कहानी सुनोगे? मैं सुनाती हूं। आनंद, बचपन से ही मुझे कहानी सुनाने और सुनने का बहुत शौक था। जब मैं बड़ी हुई तो अनाथ आश्रम में बच्चों को कहानी सुनाने लगी, और बच्चे बहुत मजे से कहानी सुनते थे। फिर मुझे इस दुनिया में आना पड़ा, प्यार हो गया था ना। और जब मैं इस दुनिया में आई तो इन लोगों ने ऐसे बेड़ियां बांधी जैसे पता ही नहीं चला कि कब मैं इतनी बन गई कि सांस भी नहीं ले पा रही थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं निकल जाऊंगी यहां से और एक अपनी खुद की दुनिया बनाऊंगी, पर तभी मेरी दुनिया आ गई। राधा, मैं सब भूल गई। राधा जब आई तो राधा मेरी ऑडियंस थी, मैं उसे कहानी सुनाती थी। मम्मी, आप बहुत अच्छी कार। मम्मी, आप बाहर जाओ ना, आप दुनिया को सुनाओ ना कहानी। उसने ये बात बोल दी। फिर मुझे होश आया कि मुझे तो बाहर जाना है, मुझे दुनिया को कहानी सुनानी है। और फिर मैंने लड़ने की कोशिश की और उसने आग उगल दी और मैं चल गई। पर कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था मेरी ऑडियंस है मेरे साथ, मेरी राधा है। इसलिए 3 महीने बाद जब पट्टी खोली तो सबसे पहले डॉक्टर ने अपना चेहरा देखने के लिए मुझे शीशा दिया, पर मैंने मना कर दिया और मैंने कहा नहीं, मैं राधा को देखूंगी, राधा को बुला लाओ ना। जब राधा आई, अब तुम बताओ आनंद, उसको पुलिस के हवाले कर देती और आसानी से सजा दे देती? उसने मेरी इकलौती ऑडियंस छीन ली आनंद, उसके लिए वो सजा नहीं होगी, मैं दूंगी सजा। उसे सजा उसकी वो होगी जब वो देखेगा कि तेजाब की बूंदों ने सिर्फ चेहरे को जलाया है, मेरे हौसलों को नहीं। जब वो देखेगा कि तेजाब की बूंदों ने मेरी बेड़ियों को पिघलाया है, मेरे पंखों को नहीं। जब भी लगता है ना मैं लड़ूंगी नहीं, वो आवाज आ जाती है मेरी राधा की, मैं छोड़ूंगी नहीं आनंद उसे। वो तड़पेगा जब वो देखेगा वो अकेला है, उसकी बेटी भी मेरे पास आ जाएगी, मेरी बेटी मेरे पास आ जाएगी। मैं तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका लेकर आई हूं आनंद, एक मौका चाहिए बस, एक मौका, बस एक। ये वैदेही थी, तब से वैदेही हमारे साथ काम करती है कहानी घर में, और हमारी बेस्ट स्टोरी टेलर। इंडिया से शुरू हुआ था, अब पूरी दुनिया में घूमती है और अपनी कहानी सुनाती। वैदेही, द एसिड गर्ल। शुक्रिया।